हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको कर्नाटका की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कसूती के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम कसूती की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। कसूती का मतलब, कसूती जो है वर्ड, वो दो शब्दों से मिलके बना है, काय और सुई। सूती, काय मतलब हैंड और सूती का मतलब होता है कॉटन थ्रेड। इसका मतलब ये होता है हैंडवर्क मेड ऑफ कॉटन थ्रेड। ये एम्ब्रॉयड्री वेमेन के द्वारा की जाती है अपने फ्री टाइम में। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन की जाती थी, जैसे दादी अपनी पोती को सिखाती थी और फिर अपनी बहुओं को, नेबर्स को, सब लेडीज साथ में बैठ कर के ये एम्ब्रॉयड्रीज किया करती थी। पुराने ज़माने में कस्टम था कि जो ब्राइड होती है उसको उसके पास एक साड़ी होनी चाहिए, चंद्रकला साड़ी जो ब्लैक कलर की होती है, उसमें कसूती का वर्क होता था। ये वर्क साड़ीज़ और ब्लाउज़ पीसेस पे भी होता है। तो ब्लाउज़ पीस का जो वर्क, ब्लाउज़ पीस का जो कपड़ा होता है उसमें मैचिंग कलर और मोटिव से जो बॉर्डर साड़ी के हैं वो बनाए जाते हैं, और इस पीस को खन कहा जाता था। और बॉर्डर का जो साड़ी का बॉर्डर होता था उसमें नेगी और मुर्गी स्टिचेस होते थे। ये स्टिचेस क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊँगी आपको। इसमें सब पहले तो ये काम सिल्क के धागे से किया जाता था, पर अब सिल्क की जगह मर्सराइज्ड कॉटन थ्रेड यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर आपको बहुत फाइन वर्क चाहिए तो 2 स्ट्रैंड यूज़ किए जाते हैं, और अगर थोड़ा कोर्स वर्क चाहिए तो 4 स्ट्रैंड्स यूज़ किए जाते हैं। मोटिव्स की अगर बात करें तो इसके मोटिव्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज, आर्किटेक्चरल मोटिव्स जैसे गोपुरम, शिवलिंगा, मंडी, नंदी, पैलिंकुन एक्सेट्रा इसमें यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्रीपर्स, फॉलेजेस, फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये होती है, 2 स्पेशलिटीज़ होती हैं इसमें। डिज़ाइन ट्रेस नहीं किए जाते, ये काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयड्री है। इसमें धागों को काउंट करके फिर उसमें एम्ब्रॉयड्री की जाती है। और दूसरा, इसमें कभी नीचे स्टार्ट करते टाइम धागे में गांठ नहीं लगाई जाती है। बैक साइड पे एक छोटा सा बैक स्टिच करते हैं और फिर ये एम्ब्रॉयड्री स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर स्टिचेस की बात करें तो स्टिचेस हमेशा यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल कैसे भी हो सकते हैं। और ये 4 कॉमन टाइप के इसमें स्टिचेस होते हैं। फर्स्ट की हम बात करें, गावंती, ये सबसे कॉमन स्टिच है। गंतु का मतलब कन्नड़ में होता है नॉट। ये डबल रनिंग स्टिच होती है, पहले रनिंग स्टिच करी जाती है और फिर रिटर्न में इसको फिल करते हुए रनिंग स्टिच की जाती है। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल तीनों डायरेक्शन में की जाती है। मैं अभी आगे इसकी पिक्चर दिखाऊंगी आपको। मुर्गी एक ज़िगज़ैग रनिंग स्टिच होती है, ये एक सीढ़ी की शेप बनाती है। होती इसका जो है करने का तरीका बिल्कुल गावंती जैसा होता है, बट स्ट्रेट, गावंती स्ट्रेट होती है और ये एक स्टेप वाइज मैनर में की जाती है। और ये दोनों ही बहुत नीट एंड टाइडी डिज़ाइन होते हैं, गावंती और मुर्गी, और ये राइट और रॉन्ग साइड से बिल्कुल सेम लगते हैं। और थर्ड जो स्टिच होता है उसके बाद उस वो नेगी है। इट इज़ अनदर स्टिच ऑफ कसूती। नेगी का कन्नड़ में मतलब होता है वीव करना। नेगी डिज़ाइन का ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द वूवन डिज़ाइन इफेक्ट आता है, पर ये कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। इसमें मतलब ये बिल्कुल रनिंग स्टिचेस की जैसे ही होता है। इसमें साइज़ उनका मैटर कर सकता है, लॉन्ग और शॉर्ट, स्ट्रेट, कैसे भी होता है। और ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं दिखता दोनों साइड से। और इसमें मेंथी जो है, इसमें लास्ट स्टिच है। मेंथी एक ऑर्डिनरी क्रॉस स्टिच है। मेंथी का मतलब कन्नड़ में मेथी का दाना होता है। ये बिल्कुल बहुत हैवी या फिलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्टिच में ज़्यादा धागा यूज़ होता है, जैसे कि नेगी इसमें तो स्टिच एक जैसा तो इम्प्रेशन नहीं आता दोनों साइड में। इसमें ये थोड़ा अलग होता है और ये एक कट साड़ी इसमें यूज़ किया जाता है। अब हम थोड़े से पिक्चर्स देख लें। ये पहला वाला गावंती है जो कि मैंने बोला एक तरफ जाएगा फिर रिटर्न। मुर्गी स्टेप वाइज, नेगी जो वोवन इफेक्ट देता है, और मेंथी जो सिंपल क्रॉस स्टिच होता है। अब आगे हम इनके कुछ मोटिव्स देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।